Hello students, so welcome in the physics class. So today we will study about the ohmic and non-ohmic conductors. So let us start with the ohmic. हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स कौन से हुए? द कंडक्टर्स विच ओबेज ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, दैट आर नोन एज ओहमिक कंडक्टर्स। सो द कंडक्टर्स which obeys Ohm's law are called ohmic conductors. अब इन कंडक्टर्स के लिए एक कंडीशन आपके पास आ गई, वो कंडीशन क्या है? आप दीज कंडक्टर्स इज वी अपॉन आई दैट इज इक्वल टू आर, ये तो सारे कंडक्टर के लिए रहे, लेकिन दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है। तो इसमें एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, जितने भी मेटेरियल कंडक्टर हैं नाइट्रॉन एटसेट्रा, दीज आर ओहमिक कंडक्टर्स। अब दूसरे आपके पास कौन सा है? नॉन ओहमिक। द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड non-ohmic conductors। आप इसमें non-ohmic conductors के लिए क्या है पास, that this V upon I that is equal to R रहेगा आपके पास, but this is not constant, it is not constant। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो semiconductor diodes आपके पास आ रहे, या इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी हो तो वैक्यूम ट्यूब आपके पास आ जाते हैं, कर सकता। दीज आर व्हिच वन? दीज आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। यही आपके पास कौन से आ गए? नॉन ओहमिक। सो इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, दीज आर द नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ, इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे हम लोग। लिमिटेशंस, Thank you.
होमीकंडक्टर्स दैट हैव वन और मोर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी नॉन ऑर्गेनिक डिवाइसेस हैं आपके पास और नॉन ऑर्गेनिक डिवाइसेस हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग characteristics. पहली बात है जो कौन सी characteristics, ये following VI characteristics, VI, VI, VI characteristics मतलब VI का नहीं हो सकता है पास बहुत सारे द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट लीनियर मीन्स आपके पास ये लीनियर वेरिएशन नहीं है. तो वेरिएशन आपके पास किस तरीके की आएगी, ये वेरिएशन आपके पास आ जाएगी इस तरह से. इस साइड को मैंने करंट ले लिया, इस साइड को वी ले लिया. लीनियर वेरिएशन की बात करूं तो ऐसे लीनियर वेरिएशन है आपके पास. लेकिन क्या होगा कि ऐसे में लीनियर वेरिएशन ना हो तो आपके पास ये वेरिएशन है, दिस वेरिएशन इज लाइक दिस, इस तरीके से आपके पास वेरिएशन. इसका मतलब द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज अ नॉट लीनियर. जो रिलेशन है आपके पास बिटवीन वी एंड आई दैट डिपेंड ऑन द साइन ऑफ वी, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पर डिपेंड करेगा आपके पास. तो यहां पर देखिए अगर हम लोग ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे पीएनएन डायोड आपके पास आ जाता है, जीएनए डायोड की बात करते हैं हम लोग, ये हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये चीज करेंगे जब हम लोग चैप्टर करेंगे. इस साइड को वी पॉजिटिव, इस साइड को वी साइड को करंट, दिस इज इन मिली एम्पियर और इस साइड को करंट, दिस इज माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग जब वोल्टेज पॉजिटिव है तो वेरिएशन ऐसे आता है, दिस वन इज द वेरिएशन. और इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, तो वेरिएशन आपके पास इस तरीके से आ जाती है, ये और यहां से इस तरीके से. इट मीन्स द वेरिएशन ऑफ करंट दैट डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द वोल्टेज, इसको डिपेंड करेंगे साइन ऑफ अ वोल्टेज. थर्ड द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई is not unique. It means at different voltages there may be the same value of the current. तो देखते हैं हम लोग ऐसा भी आपके पास केस आ जाता है. एलईडी के केस में ऐसा हो जाता है कई बार इस साइड को वोल्टेज, इस साइड को करंट, मिलीएम्पियर में ऐसे आपके पास लाइक दिस. तो यहां पर देखते हैं अगर हम लोग ये करंट आपके पास डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर जो करंट की वैल्यू आ रही है,
सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अ कॉलम्स लॉ, ये आपके पास कर गए लिमिटेशंस ऑफ अ कॉलम्स लॉ। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ये इस बार हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी आगे जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे, इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं सिखाऊंगा आप लोगों को इसके बारे में भी, लेकिन आप लोगों ने 10th क्लास में भी इसको कर रखा है, तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर पहले बात करते हैं हम लोग, पहला दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस द करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर दैट मीन्स सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो मान लो हमारे पास दो तीन रेजिस्टेंस है, लेट थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड in series as shown in figure, jaisa ki dikhaya hai। ये मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या वी लेट दिस वन इज आर वन दिस इज आर टू दिस इज आर थ्री और यहाँ से करंट फ्लो कर दिया आया दस। अब क्योंकि करंट जो है वो सेम रहेगा, ये भी बात हो जाएगा तो करंट पहले से हर डिस्ट्रिक्ट के अक्रॉस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डिफरेंट, तो इसके अक्रॉस मान के लगे वी वन, इसके अक्रॉस वी टू और इसके अक्रॉस मान लिया वी थ्री, यह है। सो देयरफॉर वी दैट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री दैट इज नंबर वन। Now, अगर हम लोग देखें तो वी वन दैट इज इक्वल टू आई आर वन, ये आएगा करंट इसके क्रॉस आई है। वी टू दैट इज इक्वल टू आई आर टू एंड वी थ्री दैट इज इक्वल टू आई आर थ्री। अगर हम आपके पास इफ आर एस सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस देन दिस वी इज इक्वल टू आई इनटू आर टोटल एरिया। सो फ्रॉम इक्वेशन वन आर टू प्लस आर थ्री
means the net resistance, that is equal to the algebraic sum of all the resistances which are connected in a series. So we can also write down that this Rs, that is summation I from 1 to n Ri. So in case of the series combination, the total resistance of the system that increases, for n resistances, similar resistances, for n similar resistances, R S is equal to R plus R plus R plus counter n times counter. So R is equal to R S is equal to n R grand. So yahan rakhna hai, in series combination net resistance to the algebraic sum ke barabar, or in series combination the current across each resistor that remains same but the potential difference that is a different. Theek hai, ab baat karte hain hum kaun sa combination, that is parallel combination. Parallel combination mein kya hota hai boss? In parallel combination of the resistances, the current across each resistor is different but the potential difference is different. मतलब current हमारे पास हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो वो निकालते हैं हम लोग यहाँ पर. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लो तीन रजिस्टर्स हमारे पास, जिनका रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री है, दीज आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल. ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, आर वन आर टू आर थ्री, इनको कनेक्ट कर दिया मैंने इसमें पैरेलल में बाय यूजिंग अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी. इस तरीके से अब लेट आई बी द टोटल करंट जो फ्लो कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जाकर करंट डिवाइडेड हो गया, तो मान लो इसके अक्रॉस आई वन, इसके अक्रॉस आई टू और इसके अक्रॉस करंट आई थ्री. ऐसा ठीक. अब देखते हैं हम यहां से करंट डिवाइड हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर दैट मींस सेम दैट इज इक्वल टू v के अब फिर रखा, तो क्या डिवाइड हुआ करंट, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 नंबर 1. अगर मैं i1 की वैल्यू निकालूं तो i1 दैट इज इक्वल टू v अपॉन r1, i2 दैट इज इक्वल टू v अपॉन r2, I3 that is equal to V upon R3. So if R3 is the net resistance of the parallel combination, parallel combination, then
eyes are going to be upon our people. So from equation 1, जैसे कि मान लो दो रेजिस्टेंसेस आपके पास पैरेलल में हैं, तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या केस आता है। डायरेक्टली उस केस में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो बेटा, तो नेट रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो वन अपॉन आर टी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। सो वन अपॉन आर टी इज इक्वल टू आर वन आर टू, यहाँ से आर टू प्लस आर वन। सो आर टी दैट इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये रेजिस्टेंस अब अगर करंट निकालना हो हम लोगों ने, जैसे मान लो आई वन निकालते हैं और या आई टू निकालना है विदाउट फाइंडिंग आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने निकाला आई वन, तो आई वन निकालेंगे तो सामने वाला रेजिस्टेंस लेना है, इसके अक्रॉस निकालने का करंट सामने वाला लेना है, दैट इज आर टू डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का सम R1 plus R2 into total current I, this way. और अगर मैं निकालना है I2, तो I2 इसके क्रॉस है तो सामने वाला रेजिस्टेंस R1 upon R1 plus R2 into total this way. You can convert the total current across each resistor. ठीक है, current across each resistor. ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड हम लोग नहीं करेंगे, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। जो क्वेश्चन आप यहाँ से आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
टेम्परेचर सेपरेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। हमने बात की थी वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर विद द टेम्परेचर, जिसमें हमने बात की थी दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर्स दैट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इंक्रीज किया था हमारे पास किसके साथ, विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो हमारे पास क्या क्या लिखा है, हमारा जो क्वेश्चन आता है मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछूंगा आपके पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है दैट द वी आई ग्राफ आर अ मेटल कंडक्टर। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी आई ग्राफ आर अ मेटल कंडक्टर एट टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज एज शोन इन फिगर। विच टेम्परेचर इज हाई, कौन सा टेम्परेचर जो है आपके पास क्या है हाई है, विच टेम्परेचर इज हाई जस्टिफाई योर आंसर मतलब हम लोगों ने जस्टिफिकेशन भी देनी है इसकी, आंसर की हम लोग यहां क्या करेंगे जस्टिफिकेशन लेकर के चलेंगे। तो ये दो है आपके पास, मैं ऐसे लेकर चलता हूं, पहला ग्राफ आपके पास ये है और दूसरा मैं यहां चलता हूं। साइड को मैंने लिख दिया बी और इस साइड को आई, लेकिन इसमें पैरामीटर मैंने कर दिए अपोजिट आई और इस साइड को लिख दिया बी। यहां पर ऐसे दिस इज T1 दिस इज T2 एंड हियर T1 दिस इज T2। अब हमें पता है कि दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल कंडक्टर दैट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट मींस हायर इज द रेजिस्टेंस हाई इज द टेम्परेचर। सो सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में सिंगल इज द लिखेंगे हम लोग कि दैट रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर increases with increase in temperature, ठीक है। सो आपके पास क्या है दैट द कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर दैट हैव अ हाई रेजिस्टेंस। सो the high resistance, okay? The high resistance of conductor is at high temperature. High temperature. इसका मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर रेजिस्टेंस हाई होगा, मतलब जहां पर रेजिस्टेंस हाई हो गया मतलब टेम्परेचर क्या हो गया ज्यादा। तो पहले केस में देखते हैं, पहले केस में स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज वी अपॉन आई दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब स्लोप किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया ज्यादा हो गया, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया टेम्परेचर क्या हो गया ज्यादा हो गया, और
T2 is greater than T1. Means, oh sorry, this one, that is P1 is greater than T2. P1 is greater than T2. This temperature P1, that is greater than that of T2. Plus each temperature to the resistance value ho gaya as compared to this one. Ab dusre ki baat kar lete hain, second one. यहां पर देखिए तो स्लोप आपके पास दैट इज आई अपॉन बी हो जाएगा 1/r. तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 1/r स्लोप ऑफ द ग्राफ. इसका मतलब हायर इज द स्लोप स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस. इसकी स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है तो मतलब ये टेम्परेचर क्या हो गया कम. तो यहां पर हमारे पास this T2 is greater than P. Yes. इस तरीके से हमारे पास ये तो यहाँ पर पास करोगे जस्टिफिकेशन हो गई. ठीक है बेटा. तो अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर NCERT के एग्जांपल्स की बात करेंगे. तो NCERT के एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 3.1 से चलेंगे हम. एग्जांपल नंबर 3.1 इसमें बोला गया है एस्टीमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर. एरिया दे दिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर. दिस वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. कैरी द करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर. दिस वन. ठीक है. अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज डेंसिटी ये रखी है आपके पास दैट इज गिवन 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. द एटॉमिक वेट मास ऑफ द कॉपर इज गिवन मास दैट इज 63.5 एटॉमिक मास. ये हमारे पास दिया. तो ड्रिफ्ट स्पीड हम लोगों ने निकालनी है. यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड निकालेंगे तो पहले देखते हैं हम लोग. देखो कैसे निकालेंगे हम लोग ने ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं. ठीक है. सो नंबर डेंसिटी निकालेंगे हम लोग पहले. नंबर डेंसिटी. ठीक है. नंबर डेंसिटी निकालने के लिए स्मॉल एन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि भाई अगर हम लोग ने क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट n is the number of atoms per unit volume. तो मैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ठीक है डिवाइडेड बाय मास और इसको कर डेंसिटी. नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मास इनटू ये आपके पास क्या है दिस वन इज द डेंसिटी n अपॉन m इनटू डेंसिटी. ठीक है. तो इस मास से किलोग्राम से किलोग्राम का एक्सपाल हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा पर मीटर क्यूब. एम ही बच जाएगा आपके पास मतलब पर मीटर क्यूब आपके पास बच जाएगा. ठीक है. किलोग्राम से किलोग्राम एक्सपाल. तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ पहले यहाँ पर एम इस तरह एवोगैड्रो नंबर आपके पास आ जाता है. तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से निकालेंगे. ठीक है. सो पहले सेल की बात करते हैं हम लोग. ठीक है. सो नंबर ऑफ एटम्स इन
63.5 ग्राम एटॉमिक मास है और कॉपर इज इक्वल टू 6 × 10⁻³। हम निकालेंगे किलोग्राम, सो नंबर ऑफ एटम्स इन दिस वन 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ कॉपर दैट इज 6 × 10⁻³³ / 63.5। लिखने किलोग्राम में क्या रखा है तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 किलोग्राम ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा प्रकाश, दैट इज 6 × 10⁻³³ / 10³³। तो ये मेरे पास आ गया n अपॉन m, m अपॉन m मास के साथ में, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6 × 10⁻²⁶ / 63.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब निकालिए हम लोग क्या नंबर डेंसिटी, सो नंबर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एम अपॉन एम इंटू बी, सो दैट इज 6 × 10⁻²⁶। ठीक है, पर किलोग्राम आए पर मीटर निकाल आए तो हमारे पास एक पर किलोग्राम, ये कितने किलोग्राम में है आपके पास पर किलोग्राम, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि किलोग्राम से किलोग्राम कंसर्व हो जाए अपॉन 63.5 × इससे मल्टीप्लाई कर 9 × 10⁻³³। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास तो ये आ जाएगा 8.5 × 10⁻²⁸। इतने आ गए आपके पास के नंबर डेंसिटी आपके पास ही आए, सॉल्व कर लेगा नंबर डेंसिटी निकल गई हमारे पास। अब निकालना है हम लोगों ने क्या करंट, करंट निकालेंगे हम, तो चलो करंट निकाल लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल ए एन ई वी डी, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है तो बी वी डी दैट इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई रखने वाली समीति, सो बी डी दैट इज इक्वल टू आई किसके बराबर है 1.5, ई वी किसके बराबर है 1 × 10⁻⁷ - 7 मतलब 10⁻⁷, एन किसके बराबर है 8.5 × 10⁻²⁸ × E 1.6 × 10⁻²⁹ बोलो के बराबर। ठीक है, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 300/272 तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो सॉल्व करके आएगा, सॉल्व कर लेना इसको आप लोग कि ये बी डी आपके पास जो सॉल्व करके बचेगा दैट इज ऑलमोस्ट 1.1 × 10⁻³⁰ मीटर पर सेकंड। दिस वन इज ड्रिफ्ट स्पीड, मींस दिस इज ड्रिफ्ट स्पीड दैट इज ऑलमोस्ट 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। ये देख लो या फिर ये दूसरा हमारे पास बोला गया है, बी पार्ट की बात करें तो ए पार्ट में बोला गया हमारे पास, बी पार्ट में बोला गया कि दैट कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, किसके साथ करनी है विद द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, थर्मल स्पीड के साथ हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है।
देखते हैं थर्मल स्पिरिट के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग। थर्मल स्पिरिट के साथ कंपेयर करें तो हमें पता है इधर हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी टी, ये आता है। तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के बी टी अपॉन एम, सो बी दैट इज इक्वल टू 3 के बी टी अपॉन एम होता है। मास निकालेंगे हम लोग इसका, यहां पर कॉपर एटम का मास निकाल करके चलेंगे हम, ठीक है बेटा। सो मास ऑफ So
3.2 आप लोगों ने खुद से करना है, ये आप लोगों ने पढ़ना है इसको और सॉल्व करना है, असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, यू हैव टू सॉल्व दिस वन, वही है सारी चीजें। नेक्स्ट वन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज 3.3। टेम्परेचर से रिलेटेड आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निकोन फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट, व्हेन नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इट्स रेजिस्टेंस दैट इज 75.3 ओम। ठीक है, अब क्या किया गया, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, बी हमारे पास है 230 वोल्ट सप्लाई, आस्किंग करंट ऑफ 2.68 एम्पीयर, दैट सेट अप इन द टोस्टर, सो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निकोन एलिमेंट, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निकोन एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन वॉल इज 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग यहाँ से आपको निकाल लेते हैं, हम लोग ट्री टू निकाल रहे हैं, so R2 that is equal to V upon I, that is 230 upon 2.68, ये हमारे पास है, यहाँ से हम लोग निकाल, so this value that comes out to be, अगर हम लोग निकाल then it comes out to be 85.8 ओम के बराबर। T2 हम लोगों ने निकाल, तो हमारे पास अल्फा दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू T2 माइनस T1, ये फार्मूला, सो T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू अल्फा, सो T2 माइनस T1 है 27 इज इक्वल टू R2 आपके पास 5.3 − 75.3 / 75.3 × 1.7 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 − 27 इज इक्वल टू, दिस विल लेफ्ट विथ 10.5 अपॉन दिस इज 75.3 × 1.7 × 10⁴। इस सारे को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आ रहा है 105 T2 − 27 105 1 2 3 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये हमारे पास आ रहा है 128.01। सो T2 − 27 दिस कम्स आउट टू बी आप लोगों के पास ये जो है दैट इज 820। सो T2 दैट इज 820 + 27, सो T2 दैट कम्स आउट टू 847 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वन इज द टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट 3.4 की बात करें, हम लोग
resistance thermometer at ice point. Ice point मतलब 0 degree centigrade. T naught that is equal to 0 degree centigrade. That is R naught. That is given 5. क्वेश्चन नंबर 3.13 एक्सरसाइज का
3.13. इसमें क्या बोला गया कि दैट द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज 8.5 इन 10 रेस्ट पावर 28. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है 3/17 हो जाएगा इंटू 1.6 और 10 रेस्ट पावर आपके पास 3 मीटर पर सेकंड. मैं सॉल्व नहीं करता. सो टाइम टेकन दैट इज एल अपॉन बी डी. एल कितना है मेरे पास? 3 upon BD, 3 upon 17 into 1.6 into 10 raised power 3. 3 से 3 का स्लॉट हो जाएंगे आपके पास. ठीक है, तो 3 बच गया आपके पास 17 into 1.6 into 10 raised power 3. सेकेंड आपके पास आ गया. तो करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 27.2 10 रेस्ट पावर 3 सेकेंड. या पूछ सकते हैं हम टी इज इक्वल टू 2.72 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 सेकेंड. दिस वन इज द टाइम. ये टाइम. अब बात बचती है असाइनमेंट की. तो असाइनमेंट में आप लोग ने क्वेश्चन करने हैं. जो असाइनमेंट है आपके पास असाइनमेंट NCERT के क्वेश्चंस हैं 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.5, क्वेश्चन नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 3.7 एंड क्वेश्चन नंबर 3.8. ये आप हमने सॉल्व करना है. ठीक है, एसी से रिलेटेड है. जो आप लोगों ने काम किया हुआ है उसी से रिलेटेड है. इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है खुद. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बेटा अच्छे से इसको करना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.